नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं आपका फैसला। बंजार विधानसभा क्षेत्र में टिकट को लेकर जहां भाजपा में लड़ाई चली है, वहीं कांग्रेस में भी युद्ध छिड़ चुका है। जी हां, बंजार विधानसभा क्षेत्र राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। दोनों दलों में युद्ध छिड़ गया है। दो दिन पहले जहां हितेश्वर सिंह के समर्थकों ने वहां पर टिकट बदलने की बात की और विधायक सुरेंद्र शौरी को ललकारा, वहीं अब कांग्रेस में भी लड़ाई इस कदर हावी हो चुकी है कि पूरी की पूरी लड़ाई सड़कों पर आ चुकी है। पूर्व में रहे प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी आदित्य विक्रम सिंह के समर्थक सड़कों पर आ चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि जो भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए खिमीराम शर्मा की पैरवी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जो हाईकमान है और उन्हें टिकट दिया जा रहा है, इसलिए सारे समर्थक सड़कों में हैं। आज सैंज, गरसा और जौरा में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और आदित्य विक्रम सिंह के समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन भी किए। हुआ यूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं कुल्लू और लाहौल के प्रभारी सैंज और बंजार के दौरे पर थे और उन्होंने बूथ की बैठकें रखी थी, लेकिन सारे समर्थक जो आदित्य विक्रम सिंह के समर्थक थे वो वहां पर एकत्र हुए और उन्होंने गो बैक बैक के नारे लगाए। यही नहीं, खिमीराम मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि पैराशूटी नेता बंजार में नहीं चलेगा। आप स्वयं देखिए किस तरह से विरोध हुआ बंजार में खिमीराम शर्मा का। और जितने भी बूथ से कार्यकर्ता आए और जितने भी आम जनता महिला आयोग से जो आए हैं, और सब ये की पुकार जो है, एक ये आदित्य विक्रम जी है जो हमारे यहाँ के कर्मठ उम्मीदवार है, जो पिछली बार कुछ एक मतों से हारे थे और इस बार उन्होंने उससे दुगुना ज्यादा काम जो प्रसार किया कांग्रेस पार्टी का, और उसमें लोग जुड़े हुए हैं, लोगों को विश्वास है कि आदित्य विक्रम जी है हमारे आने वाले उम्मीदवार है, लेकिन उनके जो मनोबल को ठेस पहुंची है, इस तरह से कार्यकर्ता का जो मनोबल है वो गिरता जा रहा है। हम चाहते हैं कि आदित्य विक्रम जी के बारे में, कि उनके बारे में ही सोचा जाए, हाईकमान इससे अवगत करवा रहे हम कि अगर आदित्य जी को ये टिकट नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हम माइनस में जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो दल बल से जो बारी पैरी शूटेड जो हमारे यहाँ बीच में कांग्रेस पार्टी के बीच में आकर जो ऊपर से कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। इसको बड़ी विनम्रता से सींचा गया है और जो जितने भी यहाँ कार्यकर्ता सब जो गए हैं, अब सभी के मन में एक ठेस पहुंची है कि अच्छे का जो हमारे उम्मीदवार है उनको जो टिकट नहीं दिया जा रहा है। आदित्य विक्रम कैसा हो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।